ये मुल्क हमारा है, हमने बनाया है। अगर होता किराए का घर तो छोड़ के कहीं चले जाते, किराए वाले ऐसे ही कर रहे हैं, जला के गैरों से नया मकान ले लिया है। लेकिन हमारा तो किराए का नहीं, हमारा ईंटों का भी नहीं, हमारा तो दिल के टुकड़े जोड़ के बना हुआ घर है। 10 लाख शहीदों के खून पर पाकिस्तान बना, 2 करोड़ मुसलमानों ने घर छोड़ा, 90,000 औरतों की इज्जतें लूटी, तो फिर पाकिस्तान बना। चकलों के लिए नहीं, शराबियों के लिए नहीं, बदमाशों के लिए नहीं, दहशतगर्दों के लिए नहीं, नवाबों वटेरों जागीरदारों के लिए नहीं, यह पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना, इस्लाम की खातिर बना, इस्लाम के लिए बना, इस्लाम की लिबर्टी बना, इस्लाम की मस्जिद बना। आज कोची से जागीर समझ बैठे, कोची से शराब का अड्डा बना बैठे, कोची से मंदिर बना रहे हैं और कोची से मोर्चा बना रहे हैं। हमारी फिक्र क्या है? ना चकला है, ना शराब खाना है, ना मंदिर है, ना मोर्चा है, ये रब वालों की मस्जिद है। अपना ईमान क्यों कहता हूं? इस वास्ते कि जिस नजरिए पे मदीना शरीफ की सल्तनत बनी थी, पूरी दुनिया में दूसरा जन्म पाकिस्तान है। और कोई वतन दिखाओ, कोई बोली पर, कोई ज्योग्राफी पर, कोई बरादरी पर बना, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर बना। इस वास्ते हमारे सीने में इससे प्यार इसलिए नहीं कि इसमें हमारा घर है, हमारी जमीन इसमें है, अगर उजड़ गया तो क्या बनेगा। हमें इसलिए प्यार है कि ये हमारे दिल में मदीने की मोहब्बत के जेरे साया बसता है। उस नजरिए पे ये मुल्क बना है, नक्श है जो दिल पे, वो तहरीर पाकिस्तान है, जज्बाए उल्फत की एक ताबीर पाकिस्तान है। कौन अब तस्खीर कर सकता है अर्द इश्क को, मुस्तफा के नाम की जागीर पाकिस्तान है।